हाँ तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा जो रेलवे एलपी का रिजल्ट CPT 1 का आया था उसे कैंसिल कर फिर से जारी किया जाएगा। तो एक खुशखबरी की बात है दोस्तों, अब जितने लोग CPT 1 में पास किए थे अब उससे बहुत ज़्यादा यानी कि 1-2 लाख और भी लोग ज़्यादा पास करेंगे। ये सारी बातों को मैं बताने आया हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है 7 लाख अभ्यर्थी देंगे रेलवे की मुख्य परीक्षा, यानी कि जो रेलवे का मुख्य परीक्षा होगा रेलवे एलपी का, उसमें टोटल अब 7 लाख लोग एग्जाम देंगे CPT 2 के लिए। इससे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट आया था उसमें बहुत कम थे, 5.5 लाख लगभग लोग दे रहे थे, लेकिन जो जो अब नया CPT 1 का रिजल्ट आएगा उसके अनुसार अब 7 लाख लोग देंगे, यानी कि लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख लोग ज़्यादा। चलिए इससे रिलेटेड सारी बातें जान लेता हूँ। और दोस्तों, अगर आप आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उन सभी गवर्नमेंट फॉर्म से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। चलिए इससे रिलेटेड सारी बातें और भी जान लेते हैं। तो इधर आते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं भर्ती बोर्ड जुटा संशोधित परिणाम की तैयारी में, और संशोधित परिणाम यानी कि जो पहला CPT 1 का रिजल्ट आया था उसमें संशोधन किया जाएगा और उसे जल्द से जल्द 5 से 6 दिन के अंदर आपका CPT 1 का फाइनल रिजल्ट ला दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं यहाँ क्या बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं रेलवे की सहायक लोको पायलट और तकनीकी वर्ग की मुख्य लिखित परीक्षा में देश के लगभग 7 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के माध्यम से 64,371 पद पर भर्तियां की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 नवंबर को सहायक लोको पायलट तकनीकी वर्ग की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था, लेकिन उत्तर कुंजी में गलतियां होने और शिकायत मिलने के बाद परिणाम को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं उसे नए सिरे से यानी कि दूसरी बार फिर से उसे चेक किया जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जहाँ देख सकते हैं देश के सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्ड में फिलहाल संशोधित परिणाम तैयार करने का मशक्कत की जा रही है, यानी कि अभी ये काम प्रोसेस में लगा हुआ है। जितने भी टोटल 21 जो हमारा भारतीय रेलवे बोर्ड है उस सभी रेलवे बोर्ड के थ्रू जो भी रिजल्ट है उसे फिर से चेक किया जा रहा है और इस बार अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है। रेलवे द्वारा पूर्व में जारी परिणाम में तकनीशियन वर्ग की अधिकांश कोटि में अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए थे। इस कारण मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित 15 गुना अभ्यर्थी की संख्या भी कम रह गई। भर्ती बोर्ड अधिकारियों के अनुसार नए सिरे से जारी परिणाम के बाद संभवतः अनेक अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के दायरे में आए जाएंगे। अनुमान के अनुसार नए परिणाम के बाद मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 7 लाख अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयन किए जाएंगे। और बताते हैं जो मुख्य परीक्षा है वो आपको 24 दिसंबर को होगा। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं यहां साफ तौर से बताया जा रहा है कि जो 15 गुना बल गया था लेकिन 15 गुना अभ्यर्थी कट ऑफ पास नहीं कर पाए थे, इस कारण फिर से नए सिरे से CPT 1 का रिजल्ट देखा जा रहा है, जिसके अनुसार 15 गुना लोगों को लिया जाएगा CPT 2 के लिए और इस तरह से टोटल 7 लाख लगभग स्टूडेंट CPT 2 में एग्जाम के लिए बैठेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का अपडेट न्यूज़। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से 1% भी बेनिफिट मिला है या किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो सभी ग्रुप में आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर किसी और गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इसी तरह का अपडेट न्यूज़ बताने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।